प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने हमें जीवित रखा और उसे मौका दिया कि हम प्रभु यीशु के बारे में जो उसने अपने वचन में पहले ही से हमें बता दी थी, जो सच्चाई को पहले से उसने बता दिया था, हम उसकी बातों को गौर करेंगे और उसकी उस सच्चाई को वह फिर से अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं वह फिर से पिता परमेश्वर इस तेरे पुनरुत्थान के लिए। पिता परमेश्वर जो आज सारा संसार खुशी मना रहा, पिता क्रूस की सलीब मृत्यु सही पिता परमेश्वर, उसके बाद प्रभु तूने तीसरे दिन जिंदा होकर पिता परमेश्वर परिणाम दिखाया। प्रभु जी तूने पिता परमेश्वर अपने वचन में पहले हम बता दिया था पिता परमेश्वर कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उस प्रभु जी तो आनंद के लिए पिता परमेश्वर जो आपने पिता परमेश्वर हम मनुष्य जातियों के लिए दी, हम मानव जाति के लिए दी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के लिए पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर मृत्यु से पिता परमेश्वर जय प्राप्त करी, हम आपका धन्यवाद। प्रभु जी काश प्रभु जी हम उन बातों को जो तूने हमें अपने वचन के द्वारा सिखाई थी पिता परमेश्वर आज हम समझ पाते पिता परमेश्वर। और प्रभु जी तेरे वो जी उठने की खुशी को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में प्रभु जी मनाने वाले पिता परमेश्वर एवं फिर से प्रभु जी तो अपने वचन की बोल दिए समझ दे पवित्रात्मा हमें गाइड कर पिता परमेश्वर कि हम तेरा वचन प्रभु जी समझ सके, अपने जीवन में उतार सके और दूसरों को बताने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर अपने आप को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, मेरे जुबान को मेरे होठों को प्रभु जी तू छू ले पवित्र कर ताकि तेरा वचन जो पवित्र है पवित्र होकर निकले और हमारे जीवनों को बदलने वाला। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के जो वचन कहता है प्रभु वचन के द्वारा जो मैं बताना चाहता है जो मेरे साथ निकाली यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 बार और उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पत्रस और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा कि प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पत्रस और वो दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे परंतु दूसरा चेला पत्रस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो अभी वे भीतर ना गया। तब शमौन पत्रस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वे अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देख कर विश्वास किया। वे तो अब तक भविष्य शास्त्र की ये बात ना समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत आशीषित थे। जो प्रभु यीशु इस संसार में थे जिन्होंने अपना जीवन हमारे और आपके लिए इस सारे मानव जाति के लिए दे दिया अपने को सूली पे चढ़ा दिया हमारे आपके लिए बलिदान कर दिया था हम सब जाने। मगर उसने अपने मृत्यु के बारे में पहले बता दिया और ये भी कह दिया था ये मैं जीवित हो जाऊंगा तीसरे दिन। फिर भी उनके चेले उनके मरियम और मगदलीनी को विश्वास नहीं हुआ। वो वहां पर कब्र पे गए उसे देखने और
रेस लग रही है, वहां पे दौड़ लग रही है। देखिए सबसे पहले कौन जाता है कब्र के पास, जो चेला शमौन पतरस था वो उसके अंदर घुसा, वहां पे जाके देखा कि परमेश्वर की लोथ यानी कि प्रभु यीशु की लोथ नहीं थी, मगर विश्वास के लिए कि वहां लोथ रखी गई है, बड़ा सा पत्थर भी रखा हुआ था, पत्थर अपने आप लुढ़क गया, पत्थर अपने आप हट गया, मगर वहां पर प्रभु यीशु का मोचा, उसके कपड़े पड़े थे, रखे थे, और प्रभु की लोथ नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु उस समय वहां पर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को जीवन ने बदल दिया था, जीवन ने बदल दिए थे, वो जी गए थे, वो जीवित हो गए थे। क्या आज ऐसा तो नहीं है, हम भी प्रभु यीशु को मृत्यु में ढूंढ रहे हैं, वो जीवित पिता है। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, इसी के आठवीं में पढ़ूंगा, तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले था, पहले पहुंचा था, भीतर गया और देख कर विश्वास किया। उस समय तो विश्वास नहीं था जब प्रभु यीशु साथ था, बताता था एक चीज, देखिए मेरे लिए निकाल लीजिए, मैं पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पर यूहन्ना उसका 2:19 में क्या लिखा है, यूहन्ना 2:19, फिर इस पे मैं वापस आऊंगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। संसार के मंदिर की बात नहीं कर रहा था, इस मंदिर की बात, इस मंदिर को ढा दो और मैं 3rd दिन उसको खड़ा। जिस प्रकार परमेश्वर पहला करंथियों 3:16 में कहता है, देखिए पहला करंथियों 3:16 में भी क्या कहता है, देखिए परमेश्वर का वचन अजीजो हमें जानना है, समझना है और उस पे मनन करना, उसके द्वारा अपने जीवन को बिताना है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या हमने बहुतों को बताया इस बारे में, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है, इसमें इस मंदिर की। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु वहां भी अपने फरिश्तों को यहूदियों को सबको समझा रहे थे इस मंदिर के बारे में, कि इसको तुम ढा दो, इसको तुम नष्ट कर दो, इस पे एक एक जो ताड़ना देनी दे दो, एकदम इसको कर दो, खत्म कर दो, मगर मैं इसको 3rd दिन जिंदा करूंगा। परमेश्वर चिंता वहां पर उसकी लोथ नहीं थी, तभी तो वो अपने जब कुकर्मी उसके साथ लटकाए गए, तभी तो प्रभु यीशु कह रहे थे कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में, और स्वर्ग लोक में प्रभु यीशु उस समय चले गए। लोग ढूंढ रहे हैं उसको, आज भी देखिए 2020 वर्ष हो गए हैं, आज भी यीशु को हम हर पल जीवित कर ढूंढने जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम क्या क्या करते हैं हमें सब पता है यीशु, मगर क्या जीजो हमने अपने जीवन में यीशु को जिंदा किया, क्या अपने जीवन में इस मंदिर में यीशु को पाया है, क्या इस मंदिर में यीशु रहता है, क्या इस मंदिर में प्रभु का वास है, क्या वो कहता है क्या तुम नहीं जानते इस मंदिर में मैं रहता हूं, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में परमेश्वर वास कर रहा है, जिंदा है क्या, क्या आज भी उसको हम सुला दिए हैं, आज भी उसको कह दिया है कि नहीं तू जीवित नहीं है। प्रभु चाहता है हमारे दिलों में जिंदा रहना चाहता है, प्रभु यीशु हमसे बात करना चाहता है, इस मंदिर में प्रभु कहता है इस मंदिर में मैं वास करता हूं, अर्थात प्रभु यीशु इस मंदिर में रहना चाहता है, इस हृदय में रहना चाहता है, और कहता है जो इस मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। जी जो बहुत ही गंभीर की बातें हैं, आज हम प्रभु यीशु को मृत्यु में मत देखे ढूंढे, आज वह जीवित है और आज भी हमारे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा, हो सकता है ये 2020 का हम ईस्टर देखने पा रहे हैं, हो सकता है हम अगले साल ना देखने पा रहे, आज हम तौबा कर ले, आज कह दे पिता तू मेरे जीवन में इस मंदिर में तू वास कर, इस मंदिर में तू जीवित हो जा पिता, ताकि हम तुझे में देखने पाए, तुझको इस मंदिर के द्वारा देखने पाए, वहां पर हमको जाकर कहीं भी प्रभु को देखने की जरूरत नहीं है, जो हमें अपने इस मंदिर में क्या लिखा देखिए 2:19 पढ़ दीजिए, यूहन्ना के 2:19 को फिर से पढ़ दीजिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया। यीशु आज और हमको भी उत्तर दे रहा है, जो हम प्रभु यीशु को मृत्यु में ढूंढ रहे हैं,
आज हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में नहीं रखे हैं, आज हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में जिंदा नहीं रखे हैं। जीजो आज उनसे कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु आज क्या किया, प्रभु ने मृत्यु के डंक को जीवित हो गया है। आज हमें और आपको भी एक जीवित आशा दी है। क्यों आशा को हम छोड़ देंगे, क्या उस आशा को हम पकड़ के नहीं रखेंगे और कह दें पिता परमेश्वर तो इस मंदिर में जीवित आ जा, क्योंकि तू जीवित है, तू दाहिने हाथ बैठा पिता परमेश्वर, तू परमेश्वर के दाहिने हाथ। क्या इस मंदिर में अपने प्रभु को नहीं बताएंगे, क्या आज भी हम प्रभु को मृत्यु में ढूंढ रहे हैं, क्या आज भी हमने प्रभु को क्रूसीफाइड कर रखा है जीजो, क्या आज भी हम इस संसार में अपने प्रभु को दिखा रहे कि नहीं प्रभु मृत्यु में है, नहीं जीजो वो जीवित है और आज हमारे घर में और आपके जीवन में वास करता है। क्या उसको अपने जीवन में रखेंगे। मेरे लिए एक वचन और लिखा लिए, पहला कुरिन्थियों 15 उसके 3 और 4 में क्या लिखा, देखिए पहला कुरिन्थियों 15 उसके 3 और 4 में क्या लिखा, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, वही तुम्हें बात पहुंचा दी थी परमेश्वर ने हमको और आपको, जो मुझे पहुंची थी किससे पहुंची थी, उसको पिता से, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, ये पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मर गए। फिर क्या हम पाप करते रहे, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए हैं और फिर जीवित हो। आज प्रभु ये भी चाहता है कि अपने पापों को मार दे और प्रभु यीशु को अपने जीवन में जीवित करे, प्रभु यीशु को जीवित और अपने पापों को अपने जीवन से हटा दे, पाप को मार डाले और प्रभु यीशु को अपने जीवन में जिंदा करे। यही सच्चा ईस्टर होगा। और हो सकता है जी जो 2020 के ईस्टर को हम देखने पा रहे हैं, हो सकता है 2021 के ईस्टर को हम ना देखने पाए, मगर आज तौबा कर लो प्रभु से। इस 12 तारीख को रविवार वाले दिन जब हम प्रभु यीशु को जीवित देखना चाहते हैं, यीशु अपने जीवन में यीशु को देख लें, अपने जीवन में नहीं अपने परिवार में, अपने मसीह खानदान में, रिश्तेदारों में और भारतवर्ष में भी प्रभु यीशु को हम जीवित दिखाते हैं जीजो। ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम उन चेलों जैसे ना रहे कि हम अपनी प्रभु को मृत्यु में ढूंढ रहे हैं, कब्र में ढूंढ रहे, नहीं हमारा प्रभु यीशु जीवित है और सर्वदा जीवित हमारे दिलों में रहे। मेरे लिए आयत और पढ़ दीजिए अजीजो, मैं खत्म करूंगा। उसके बाद प्रकाशीवाद 1:18 में क्या लिखा, देखिए प्रकाशीवाद 1:18 जल्दी से पढ़ दीजिए। मैं मर गया था जी, और अब देख मैं युगानुयुग जीवित, आप देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और कुंजी की कुंजियां किसके पास है, यीशु के पास। कुंजियां किसके पास है जीजो, हमारे प्रभु यीशु के पास। देख मैं मर गया था और अब जीवित हूँ, देख मैं मर गया था तुम्हारे लिए मरा था, तुम्हारे पापों के लिए मरा था। क्या आज तुम मेरे लिए अपने पापों को छोड़ नहीं सकते हो, क्या आज तुम मेरे लिए अपने पापों को मार नहीं सकते हो, ये नहीं सोचते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कितना दुख सहा जीजो। आज प्रभु चाहता है यीशु कि हमारे जीवन में वो वास करना चाहता है, वो कहता है सारी कुंजियां मेरे हाथ में है, जीवन और मृत्यु का अधिकार उसके हाथ में है। किसके हाथ में है, हमारे प्रभु यीशु के हाथ में जीजो। ये मौका दिया परमेश्वर ने कि हम प्रभु के पास चले, तब दिखा इसी के, देखिए इसी के यूहन्ना के 20 के मैं लास्ट 2 आयत पढ़ूंगा। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की ये बात ना समझे थे। अजीजो यदि आज तक हम पवित्र शास्त्र की बात नहीं समझे हैं तो ये प्रभु ने हमें दिन दिखाया है, ये 12 अप्रैल 2020 को जब ईस्टर मना रहे हैं जीजो, उसकी खुशी को मना रहे, जब प्रभु यीशु 2020 वर्ष जीवित हो गए थे मृत्यु में से, उस खुशी को मना रहे हैं। तो लिखा है वे तो अब तक विश्वास की ये बात ना समझे थे कि उसे मरो में से जी उठना होगा, अर्थात प्रभु यीशु ने मृत्यु के डंक को छोड़ दिया और जीवित हो गया। आज हमें भी चाहता पिता कि हम अपने पाप को मार के प्रभु यीशु को अपने जीवन में जीवित कर लें, यही सच्चा ईस्टर होगा, यही सच्ची होगी। इसके 10 मिलेगा, तब ये चेले अपने घर लौट गए, प्रभु में विश्वास करिए हमारे मध्य में। अजीजो अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने
हर एक मसीह खानदान रिश्तेदारों में इस भारतवर्ष में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने प्रभु यीशु को अपने जीवन के द्वारा जीवित दिखाएं। यही सच्चा ईस्टर होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु में बने रहें। जय मसीह की। आइए दुआ करें। हमारे जीवित मान पिता परमेश्वर फिर से धन्यवाद देता है कुछ सुंदर वादों के लिए प्रभु जी, जो आपने किया था प्रभु जी, और आपने एक एक वादा प्रभु जी सच्चा किया। प्रभु जी सारी कुंजियां आपके हाथ में, आप जीवित हैं पिता, हम आपको मुर्दों में नहीं ढूंढते, आप जीवित हैं और हमारे मध्य में रहते हैं पिता परमेश्वर। उस कुंजी को प्रभु जी आपके हाथ में है, सर्व की कुंजी प्रभु जी, उस कुंजी को पिता परमेश्वर तू हमारे लिए भी खोल देना, ताकि हम उसमें प्रवेश करने वाले हो सकें। तो जीवित पिता को हम अपने घर में नहीं, अपने दिल में, अपने घर में, अपने हर जगह प्रभु जी रखना चाहते हैं। हमारे साथ रहे, हमें बना रहे, तेरा वचन हमें बना रहे पिता परमेश्वर। हमारे पाप पिता परमेश्वर मर जाए प्रभु जी, और तू मुझ में जीवित हो, तेरी सामर्थ मुझ में आ जाए, तेरे पिता परमेश्वर वचन की समझ आ जाए पिता परमेश्वर। तू हमसे बोल, हमसे बातें प्रभु जी, हमारे एक एक घर में प्रवेश कर, हमारे एक एक दिनों में प्रवेश कर, हमारे मसीह रिश्तेदारों में प्रभु प्रवेश कर। तू भारत वर्ष के छेद में तू प्रवेश, तेरा नाम जला लो, क्योंकि तेरी पिता परमेश्वर तूने मृत्यु के डंक को तोड़ के जीवन को प्राप्त किया है, और हमें भी पिता परमेश्वर तू जीवन प्राप्त करा प्रभु जी। वादा है प्रभु सबसे प्रभु जी, तू प्रभु यीशु के मार्ग पे चलो जीजो, ताकि पिता परमेश्वर तुम्हें अपने अपने पास बुला ले और तुमसे बातें करे बोले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा सुंदर वचन का धन्यवाद देते हैं, और चाहते हैं पिता परमेश्वर तू हमसे बोल और हमसे बातें कर, हमारे साथ रहे, हमारे पापों को, हमारी बुरी आदतों को, हमारे बुरे विचारों को हमारे जीवन से अलग कर दे, और एक काम कर दे पिता, तू मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहा हूं, तेरी बातें मुझ में बनी रहे मैं, और पिता परमेश्वर तेरा वचन मुझ में बना रहे पिता परमेश्वर, मैं तुझसे बोलूं, तुझसे बातें करूं तेरे पिता परमेश्वर, तेरे तुझ में लिपटा रहूं और तू मुझ में लिपटा रहे। ये सारी बातों को हम आपके चरणों में रखते, जानते हुए मानते हुए कि आप जीवित हैं और हमारे मध्य में हैं, यीशु नाथ जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आमीन।